21 साल पढ़ाई 12वीं तक, शौक रील बनाना। यह कहानी है ग्वालियर की लेडी डॉन की। पुलिस ने कथित लेडी डॉन सिमरन सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 कट्टा और 1 पिस्टल भी बरामद हुई है। करीब 10 दिन पहले युवती ने हाथ में पिस्टल लिए फोटोज में 1x1 वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। ये वीडियो पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने युवती का पता लगाया तो उसकी पहचान सिमरनप्रीत कौर निवासी गांधीनगर के रूप में हुई। 2 दिन पहले उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ थाने पहुंची। यहां उसने बताया कि हथियार मेरे नहीं है, रील बनाने के लिए अपने दोस्त से लिए थे। युवती के बॉयफ्रेंड ने इस पूछताछ का वीडियो चुपचाप तरीके से बना लिए। घर जाने के बाद युवती ने पुलिस पूछताछ का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर दिया। इसके साथ उसने लिखा, शेरनी अभी जिंदा है। इसी पोस्ट के बाद क्राइम ब्रांच की हेड कांस्टेबल अर्चना कंसाना ने युवती के ठिकानों पर निगरानी शुरू की। पुलिस टीम ने मंगलवार रात सिमरनप्रीत कौर को कोटेश्वर मंदिर व काली माता मंदिर के पास से पकड़ लिया। पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड हरेंद्र उर्फ हनी यादव व उसके साथी सौरभ राठौर निवासी किला गेट को भी पकड़ा है। तलाशी में इनके पास से 2 कट्टे व 1 पिस्टल मिले। हनी के भाई सनी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज है। वहीं हनी पर भी 1 केस दर्ज है। पुलिस के मुताबिक सिमरन की मां मराठी थी जबकि पिता पंजाबी हैं। दोनों ने लव मैरिज की थी। साल 2014 में मां का देहांत हो गया था। उस समय वह 13 साल की थी। इसके बाद पिता उसे छोड़कर पंजाब चले गए। यहाँ वह अकेले रहने लगी। साल 2016 में 15 साल की उम्र में उसकी दोस्ती लुटेरे अंकित जादौन से फेसबुक पर हुई। कुछ ही वक्त बाद ये दोनों गांधीनगर में लिव इन रिलेशन में रहने लगे। उसका पूरा खर्च अंकित ही उठाता था। अंकित पिछले साल ग्वालियर में सराफा कारोबारी से लूट के मामले में पकड़ा गया। पुलिस को दिए गए बयान में सिमरनप्रीत कौर ने बताया था कि वो हथियार अंकित जादौन का है। उसने खुद को अंकित की गर्लफ्रेंड बताया था। अंकित को पिछले साल सेवानगर रोड पर स्थित सराफा कारोबारी के साथ लूट के मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल अंकित जेल में बंद है। उसने कहा था कि जब हथियार कहाँ है इस बारे में उसे नहीं पता। अंकित के जेल जाने के बाद उसने हरेंद्र उर्फ हनी यादव का दामन थाम लिया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने सिमरनप्रीत कौर के मोबाइल की जाँच की तो उसमें अय्यासी भरी उसकी लाइफ के कई वीडियो मिले जिनमें वो शराब से लेकर हुक्का पीने जैसे कई नशे करती दिखी। इनमें से कई वीडियो में वह नशे में धुत होकर लड़कों के साथ बार में झूमती हुई भी दिखी। इसके अलावा हाथ में हथियार लहराते हुए भी उसके कई फोटोज मिले। एएसपी राजेश दंडौतिया के मुताबिक आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। साथ में हथियारों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। सिमरन को हुक्के का नशा करने का शौक है। वह पिस्टल चलाने में माहिर है और 2 बार वह पुलिस के सामने आकर चकमा दे चुकी है। देर रात में ये 3 लोग पकड़े गए हैं जिसमें एक ये लड़की भी थी और 2 लड़के थे। इनके साथ से 3 अवैध अस्त्र मिले हैं इनके पास से।